आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट CHN सेकंड। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड फाइव ईयर प्लान, फोर्थ फाइव ईयर प्लान और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। क्योंकि जो हम फाइव ईयर प्लान पढ़ रहे थे उसमें से हमने जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था और जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आज पढ़ेंगे थर्ड फाइव ईयर प्लान, फोर्थ फाइव ईयर प्लान और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। तो सबसे पहले थर्ड फाइव ईयर प्लान की बात करें तो जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है वो 1961 से लेके 1966 के बीच में आया था। फाइव ईयर प्लान को हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेके 1966 तक आई थी। इसका जो एम था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि जो भी शॉर्टेजेस या डेफिशिएंसी जो सेकंड फाइव ईयर प्लान में हुई हैं उसको क्या करना, ओवरकम करना। ठीक है, अब जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था वो मेनली किसके ऊपर था कि जो हमें इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ हैं उसको सेटअप करना है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग। तो ये सब क्या थे, जो सेकंड फाइव ईयर प्लान है उसके मेन गोल्स थे जो क्या करने थे, पूरे करने थे। लेकिन जो शॉर्टेज थी इन प्लानों में वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये सेकंड फाइव ईयर प्लान में पूरे नहीं हो पाए। इसलिए जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था उसका मेन एम ये था कि जो भी शॉर्टेजेस और डेफिशिएंसी हैं जो फाइव ईयर प्लान में देखी गई हैं उसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो अब इसकी प्रायोरिटीज़ जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि फर्स्ट है सेफ वाटर सप्लाई इन विलेजेस एंड सैनिटेशन। ठीक है, मतलब जो जितने भी विलेजेस हैं उसमें हमें सेफ वाटर सप्लाई करना है और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है। ठीक है, सेकंड था इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया एंड स्मॉल पॉक्स एंड कंट्रोल ऑफ अदर कम्युनिकेबल डिजीज़। जो मलेरिया है और जो स्मॉल पॉक्स है उसका हमें क्या करना है, इरेडिकेशन करना है, और जो अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि इस वजह से उस टाइम पे अगर हम 1961 या 66 के बीच में बात करें तो जो मलेरिया और स्मॉल पॉक्स है वो हाई अपने पीक पर थे, जिसकी वजह से जो डेथ रेट थी या मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करना था और जो अदर कम्युनिकेबल डिजीज है उनको क्या करना था, कंट्रोल करना था। थर्ड जो इसका मेन प्रायोरिटी थी वो थी फैमिली प्लानिंग रिलेटेड एजुकेशन टू पीपल। मतलब जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, उनको फैमिली प्लानिंग रिलेटेड एजुकेशन को क्या करना है, देनी है, ताकि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को होने से रोक सकें। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी फैमिली साइज़ ज़्यादा है और इनकम कम है तो हम सबकी नीड को क्या करेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे जो घर के मेंबर हैं उनमें कभी कभार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, या हम अच्छी हेल्थ सर्विसेज उनको नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ सकती है। ठीक है, अब थर्ड पढ़ें इस प्लान के जो मेजर डेवलपमेंट्स थे वो क्या क्या थे। फर्स्ट था स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग हेल्थ सेंटर। मतलब जितने भी अभी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको क्या करना है, मजबूत करना है, अपग्रेड करना है, ताकि हम लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। सेकंड अगर बात करें तो प्रोविजन ऑफ एम्बुलेंस सर्विस फॉर इमरजेंसी मेडिकल केयर। मतलब एम्बुलेंस सर्विस का क्या होगा, इमरजेंसी मेडिकल केयर में हमें एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवानी है। ये किस में आया था, थर्ड फाइव ईयर प्लान में। अगर थर्ड पॉइंट बात करें तो नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। इस ईयर में जो मेजर डेवलपमेंट है उसमें थर्ड पॉइंट ये था कि जो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, फोर्थ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड का उद्देश्य ये था कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है बच्चों में उसको क्या कर सके, रोका जा सके। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट है थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो मेजर डेवलपमेंट में आएगा वो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च। ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हम बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने से रोक सकें। फिफ्थ, द अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड।
इसमें स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात क्या हुआ, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया गया। मेन बात यही थी कि जो न्यूट्रिशन है बच्चों का, उसमें क्या करे वो बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है किसी इंडिविजुअल का या किसी बच्चे का, तो वो किसी भी डिजीज से ससेप्टेबल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ की बात करें तो BCG वैक्सीन विदाउट ट्यूबरकुलिन टेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू हाउस। अब BCG वैक्सीन किसके लिए दी जाती थी, मेनली ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। इसको क्या किया गया, अब हाउस टू हाउस प्रोवाइड करवाया गया, ताकि BCG से होने वाली जो बीमारियां, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से हम क्या कर सकें, उसको फैलने से रोक सकें। सेवंथ है, बेसिक हेल्थ वर्कर शुड नॉट बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसमें जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर है उसको क्या है, कोई भी फैमिली प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, आठवां पॉइंट ये था, वन बेसिक हेल्थ वर्कर शुड बी अपॉइंटेड टू 10,000 पॉपुलेशन। एक बेसिक हेल्थ वर्कर 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था एट्थ पॉइंट इसका। और इसमें जो हमने देखा, इसमें फर्स्ट देखा था कि इसका एम क्या था, इसके प्रायोरिटीज़ क्या थी, और इसका ये इसके एम्स, इसके प्रायोरिटीज़ और इसके मेजर डेवलपमेंट्स। फोर्थ फाइव ईयर प्लान की बात करें तो ये हुआ था 1969 से 1974 के बीच में। अब आप देखेंगे जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था वो 1961 से लेकर 1966 तक था, लेकिन जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था वो 3 साल बाद आया, मतलब 1969 में आया, और ये कब तक चला, 1974 तक। ये 1969 में इसलिए आया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए थे, कुछ वॉर चल रही थी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उसकी वजह से इस प्लान को आने में थोड़ी टाइम लग गया, और इसलिए जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था वो 3 साल के गैप के बाद लाया गया। इसका जो एम था वो ये था, द मेन एम ऑफ दिस प्लान वॉज टू स्ट्रेंथन द PSC फॉर प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। इसका जो मेन एम था वो ये था कि हमें जो PSC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ताकि वो प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, प्रायोरिटीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी इसकी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लगभग सारे फाइव ईयर प्लान में एक मेन प्रायोरिटी रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी और हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोकना था। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या थी, इसकी मेन प्रायोरिटी थी। सेकंड, जैसा कि हमने पढ़ा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ PSC, मतलब जो PSC है उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि जो गाँव है, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ तक हम अपनी हेल्थ सर्विसेज क्या कर सकें, प्रोवाइड करवा सकें। थर्ड अगर बात करें तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जितने भी सब डिविजनल हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनको भी क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ करना है, ताकि जो लोगों की हेल्थ है उसको हम एक्टिवली क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। ठीक है, फोर्थ है, एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन ट्रेनिंग टू मीट द मैन पावर। इसका मतलब ये है कि जो मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन ट्रेनिंग है उसको क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांशन का मतलब होता है उसको, और उसका जो दायरा है वो क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि जो मैन पावर की नीड है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल भी हमारे जो मैन पावर है, जो नर्सिंग मैन पावर है, वो कम, जो रेशो देखा जाए तो वो क्या है, एक ज़्यादा है। आप कई बार देखेंगे अगर नर्स पेशेंट रेशो देखा जाए तो नॉर्मल 1:40 या 1:35 रहता है, मतलब एक नर्स पे 35-40 पेशेंट रहते हैं जनरल वार्ड में। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का एजुकेशन प्रोग्राम था, एजुकेशन ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से क्या कर सकें, हम मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन का एक्सपांशन कर सकें, ताकि हम जो मैन पावर है उसकी, जो मैन पावर है उसको हम मीट कर सकें। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट है, द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज प्रोमोगुलेटेड। मतलब जो सेंट्रल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन था उसको हम, उसने उस एक्ट को हमने क्या किया था, प्रोमेगुलेट किया था। इसका मतलब होता है कि वो एक आइडिया लाया गया था, आइडिया किसके बारे में, ताकि जो बर्थ हो रही हैं और जो डेथ रेट हो रही हैं एक जगह पे या हमारी पूरी कंट्री में, उसको हम क्या कर सकें, डॉक्यूमेंट कर सकें,
ठीक है। और इसका जो मेन चीज़ थी वो इसलिए लाया गया था कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, कितने मर रहे हैं, उसकी हमारे पास क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन हो। तो इसकी वजह से क्या लाया गया था, द सेंट्रल बर्ड्स एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज प्रोमेगलेटेड, ठीक है। सेकेंड था, रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉर बर्थ एंड डेथ केम इन टू फोर्स। अब जो आइडिया बताया गया था उसको क्या किया गया, एक्ट को लॉ में लाया गया, मतलब अब जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ और डेथ का उसको क्या किया गया, एक लॉ के अंदर उसको फॉर्मुलेट किया गया, मतलब अब कंपलसरी रहेगा जो भी इंसान का बर्थ हो रहा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट या किसी की डेथ हो रही है तो डेथ सर्टिफिकेट क्या करना है, देना पड़ेगा, ताकि एक डॉक्यूमेंटेशन रहे हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास। थर्ड था, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट। अब MTP एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है वो पास कर दिया गया था इस 5-year प्लान में। फोर्थ ये था कि टू हैव वन हेल्थ सुपरवाइजर मेल फॉर 4 हेल्थ वर्कर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। इसमें यह था कि एक हेल्थ सुपरवाइजर पे 4 हेल्थ वर्कर्स क्या करेंगे, काम करेंगे, मतलब 4 हेल्थ वर्कर्स किसके अंडर होंगे, वन हेल्थ सुपरवाइजर के अंदर, जो किसका काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के अंदर, ताकि अच्छी हेल्थ लोगों तक प्रोवाइड करवाई जा सके। फिफ्थ की अगर बात करें, अ स्कीम ऑफ सेटिंग 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल फॉर PSC वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड। एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो PSC है उसके अंदर 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल क्या होना चाहिए, इनेक्ट होना चाहिए, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है उसको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। सिक्स्थ की अगर बात करें तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स विल प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज। जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स थे वो आपको बेसिक हेल्थ सर्विसेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। सेवन्थ, टू हैव वन PSC फॉर 50,000 पॉपुलेशन। इसका जो 7 पॉइंट ये कह रहा है कि जितनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, 50,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा, ठीक है। एट्थ ये था, द पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। इसमें क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन काउंसिल है उसका जो सेटअप है वो कर दिया गया था इंडिया में, जो किसके लिए काम करेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, पॉपुलेशन की जो हमारी जो सेंसस है, जो सेंसर रहती हैं उनको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, और जितनी भी आप देखेंगे कि IX जो सेंसेस होती हैं उसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो किसके पास रहेगा, पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 5-year प्लान की बात करें तो वो है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आया था 1974 से 1979 के बीच में। अब इसका मेन एम, जो एम है उसका वो क्या था, द मेन एम ऑफ दिस प्लान वॉज टू प्रोवाइड मिनिमम लेवल ऑफ फैमिली प्लानिंग वेल इंटीग्रेटेड हेल्थ MCH फैमिली प्लानिंग न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन टू ऑल पीपल एस्पेशली टू वनरेबल ग्रुप। इसका मेन एम ये था कि हमें मिनिमम लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ किसको प्रोवाइड, इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोवाइड करवानी है लोगों को, MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है लोगों को, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हम क्या कर सकें, जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें और उस चीज़ से उसके बारे में उनको बचा सकें, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन जो मेनली होता है वो किसके लिए होता है, जैसे आप देखते हैं कि हर एक न्यू बॉर्न को क्या लगता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से उसको इम्यूनाइजेशन लगती हैं, वो किस लगती हैं, ताकि हम उस बेबी को बहुत सारी डिसीजेज होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो मेन एम इसका ये था कि हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, MCH हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है और इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मतलब जो भी जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन हो गए या वुमेन हो गई या ओल्ड एज पीपल हो गए, उनको क्या करना है, इसके बारे में एजुकेट, इम्यूनाइजेशन के बारे में एजुकेट करवाना है, ताकि उन लोगों तक कोई भी डिजीज होने से हम रोक सकें और जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकें।
प्रायोरिटीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंक्रीजिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज़, मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज रूरल एरिया में है उनको क्या करना है, हमें इंक्रीज़ करना है ताकि रूरल पॉपुलेशन तक हम अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवा सकें। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सिस्टम, जो रेफरल सिस्टम है उसको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है ताकि मॉर्टिलिटी जो रेट है हम उसको कम कर सकें। आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट को अगर कोई जगह अच्छा इलाज नहीं करवाए, कहीं नहीं मिलता है तो उसको क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। रेफ़र में क्या होता है, उस पेशेंट की जो हम मॉर्टिलिटी रेट हैं उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो डेथ रेट, डेथ होने के चांसेस हैं उस इंसान में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी अच्छी हमारी रेफरल सिस्टम होगी, जितना अच्छा हमारा रेफरल पैटर्न होगा, उतनी ही अच्छी हमारी रेफरल सर्विस होगी और उतनी ही कम हमारी मॉर्टेलिटी रेट होंगी, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ फैमिली प्लानिंग और न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये इसके मेन एम थे। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ के बारे में, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, हेल्थ को हमें जोड़ के रखना है, जोड़ के इन द सेंस रूरल पीपल को भी प्रोवाइड करवानी है, अर्बन पीपल को भी प्रोवाइड करवानी है, हमें सारे लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवानी है ताकि लोगों में होने वाली मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोका जा सके, ठीक है। फोर्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल्स। अब फोर्थ पॉइंट इसका ये था कि जो एजुकेशन है और ट्रेनिंग है हेल्थ पर्सनल की, उसको हमें क्या करना है, और देना है हेल्थ पर्सनल्स को, ताकि वो और अच्छे से अब उस फील्ड में काम कर सकें और उनको हर चीज़ के बारे में एजुकेशन हो सके, ठीक है। और वो अच्छे से लोगों को जैसे फैमिली प्लानिंग है और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनके बारे में क्या कर सकें, समझा सकें, और जिसकी वजह से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जो कम्युनिटी हेल्थ है, वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, और जो कम्युनिटी पीपल हैं उनके अंदर डिजीज़ होने के चांसेस कम से कम रहें और जो उनकी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं वो धीरे धीरे होकर डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब इसके मेजर डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो इसका मेजर डेवलपमेंट है, इंडिया बिकेम स्मॉल पॉक्स फ्री। जो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम पिछले 5 ईयर प्लान में जैसे हमने देखा चलाया गया था, इसका जो मेजर डेवलपमेंट था वो था कि इंडिया जो था वो स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया। सेकेंड, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वॉज इनेक्टेड। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वॉज इनेक्टेड, इसका मतलब यह है कि जो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसके लिए क्या हो गया, एक एक्ट लाया गया, जिस क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन था और वाटर पॉल्यूशन था, इसकी वजह से कई लोगों में क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और GI डिजीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ देखने को मिल रहे थे, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड, इसका मतलब ये था कि जो बच्चों में जो इम्यूनाइजेशन है वो पूरा किया जा सके, जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन है वो दिया जा सके और उनकी जो हेल्थ है उसको क्या कर सके, प्रमोट कर सके और उनमें डिजीज होने के चांसेस कम से कम रहें। फोर्थ, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट केम इन टू फोर्स। फूड एडल्ट्रेशन आपने पढ़ा था कि खाने में मिलावट की वजह से कई बार क्या होता है, जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है उसमें क्या हो जाता है, अफेक्ट पड़ जाता है। तो इसका जो मेजर डेवलपमेंट था 5th 5-year प्लान का, वो ये था कि जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था उसको फोर्स में लाया गया ताकि जो मिलावट का जो दौर है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है लोगों तक वो पहुँचाया जा सके, ठीक है। 5th, रूरल हेल्थ स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ करतार सिंह एंड श्रीवास्तव कमेटी। रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि हमने कमिटीज़ में देखा था, करतार सिंह कमेटी और श्रीवास्तव कमेटी थी, उनके बेसिस पर रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया। अब जो करतार सिंह और श्रीवास्तव कमेटी थी, जो हमने पहले पढ़ा था कमिटीज़ में, है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि करतार सिंह और श्रीवास्तव कमेटी के क्या क्या मेजर गोल्स थे या क्या क्या उन्होंने अपने जो कमेटी की रिपोर्ट उसमें सबमिट किया था, तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया। 6th था, द गोल फॉर हेल्थ फॉर ऑल वॉज अडॉप्टेड बाय WHO। हेल्थ फॉर ऑल जो गोल है उसको WHO के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। 7th, अल्मा अटा डिक्लेयर्ड प्राइमरी हेल्थ केयर टू अचीव द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में पढ़ा था कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं,
और जैसा कि हमने जो अल्माइन उसकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो डेफिनेशन है वो भी किसके द्वारा दी गई थी, अल्माइन आटा के द्वारा दी गई थी, जिसका मेन गोल क्या था कि हमें हेल्थ फॉर ऑल, मतलब जो भी हर एक इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना है, हेल्थ फॉर ऑल को प्रमोट करना है, ठीक है, मतलब सारे लोगों तक हेल्थ को प्रोवाइड करवाना है। तो इसमें अल्माइन आटा ने क्या किया था, प्राइमरी हेल्थ केयर टू अचीव द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल इस 5-year प्लान में मेजर डेवलपमेंट के तौर पे देखा गया था। और इस डेवलप इसकी जो इस 5-year प्लान के अगर आखिरी जो मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो वो है एस्टेब्लिशिंग ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट हु विल बी लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड कम्युनिटी लेवल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स एट PSC। इसमें क्या किया गया था, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हेल्थ असिस्टेंट्स हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो एक तरीके का क्या है, ब्रिज बनेंगे किसके बीच में, कम्युनिटी के बीच में और कम्युनिटी लेवल वर्कर्स के बीच में और डॉक्टर्स जितने भी PSC में हैं उनके बीच में, ताकि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ तक अच्छी हेल्थ को प्रोवाइड किया जा सके। मेन पॉइंट क्या है, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हेल्थ असिस्टेंट हैं वो किसके बीच में एक ब्रिज बनेंगे या लिंक बनेंगे, कम्युनिटी के, कम्युनिटी लेवल वर्कर्स के और डॉक्टर्स के बीच में क्या बनेंगे, लिंक बनेंगे, ताकि अच्छी हेल्थ लोगों तक प्रोवाइड की जा सके। और जो हेल्थ फॉर ऑल जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा 7th पॉइंट में, उसको कहीं ना कहीं अचीव किया जा सके। तो अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6th 5-year plan और 7th 5-year plan, ठीक है। तो ये थी आज की टॉपिक जिसके बारे में हमने पढ़ा, 5-year plans के बारे में बात की, जो था 3rd 5-year plan, 4th 5-year plan और 5th 5-year plan। हर 5-year plan में हमने उसके एम्स देखे, प्रायोरिटीज़ देखी और मेजर डेवलपमेंट देखे, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रायोरिटीज़ प्राथमिकता क्या थी और उस समय में जो मेजर डेवलपमेंट हुए वो क्या थे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।